जय संघर्ष मित्रों, मैं मोहसिन कुरैशी, महाराष्ट्र मीडिया प्रमुख, जय संघर्ष वाहन चालक सामाजिक संस्था प्रणित संगठन ऑल इंडिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो 2022 का जो अधिवेशन है 20 दिसंबर का, उसमें क्यों जाना चाहिए और किसके साथ में जाना चाहिए, यानी किसके पीछे जाना चाहिए। तो मैं बताना चाहता हूँ, अपने को जाना चाहिए तो सिर्फ संजय सर हार्डनोर के साथ में ही जाना है, उनके नेतृत्व में ही जाना है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ कि आपको याद होगा, कुछ साल पहले कोरोना में सीमा बंदी हुई थी। वो सीमा बंदी में जो चालक परेशान हुए थे, उसको मदद सिर्फ संजय सर हार्डनोर ने ही की थी, यानी जय संघर्ष वाहन चालक सामाजिक संस्था ने ही की थी और उनके संस्थापक अध्यक्ष संजय सर हार्डनोर ने ही की थी। और मैं बताना चाहता हूँ, जिला बंदी जो उठाई गई, उसमें सबसे ज़्यादा प्रयास यानी प्रयत्न जिसने भी किया, वो सिर्फ संजय सर हार्डनोर के नेतृत्व में ही संस्था पदाधिकारियों ने ही किया है। और जो जिला बंदी उठाई गई थी, वो संस्था के निवेदन देने के वजह से ही उठाई गई थी। और उसके बाद में मैं बताना चाहता हूँ कि जो आयुष्मान योजना है, वो हर राज्य में होती है, सरकार से चलाई गई एक योजना है आयुष्मान योजना। वो योजना में जो चालकों का समावेश हुआ है, वो चालकों का समावेश सिर्फ संजय सर हार्डनोर के ही वजह से हुआ है। उन्होंने जो मार्गदर्शन किया और मार्गदर्शन पे जो हम जैसे पदाधिकारी निवेदन वगैरह दिए हैं, उसी कारण वो आयुष्मान योजना में चालक का समावेश हुआ है। अब आयुष्मान योजना क्या है? आयुष्मान योजना ये सरकार से बनाई गई एक योजना है, जिस योजना में जो कोई व्यक्ति मरता है तो सरकार की तरफ से मानदान दिया जाता है। पहले ये योजना में मानदान 1,00,000 रुपये दिया जाता था, अब ये योजना में मानदान 5,00,000 रुपये दिया जाता है। जैसे किसी चालक की मौत हो गई तो हम लोग कोई तहसील कार्यालय में जाके कोई फॉर्म नहीं भरते थे और हमें योजना का पता नहीं था। इस योजना का पता हमारे संस्था के वजह से ही पता चला है। और ये बताना चाहूँगा और आगे भी अपने को मांगे पूरी करनी है तो संजय सर के नेतृत्व में ही अपनी मांगे